अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई अंजुम सिद्दीकी। और इस वक्त आप देख रहे हैं अंजुम सिद्दीकी व्लॉग्स। व्यूवर्स, आज काफ़ी लेट मैं ये वीडियो बना रहा हूं, काफ़ी अर्से से कोई वीडियो नहीं मैंने डाली थी। तो सुबह सुबह मुझे कुछ ऐसा एक मौजू मिल गया कि वीडियो बना पे मैं मजबूर हो गया हूं। तो है तो बड़ा मज़ेदार, ये वीडियो बहुत मज़ेदार होगी, इंशाल्लाह आपको देखने में मज़ा आएगा और इन्फॉर्मेशन भी इतने साथ साथ और यूज़फुल वीडियो होगी इंशाल्लाह, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। अच्छा व्यूवर्स, आज है 18 सितंबर 2022। तो इतवार का दिन, हम सुबह सुबह आज प्रोग्राम था कि फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने निकलेंगे, लेकिन ये हमारी गाड़ी ने हमें जवाब दे दिया। ये पंचर खड़ी हुई है यहाँ पर, तो जिस वजह से प्रोग्राम की ऐसी की तैसी कह लीजिए जो मर्ज़ी कह लें इसको, बेड़ा गर्क हो गया प्रोग्राम का। तो अब ये काम बढ़ गया है, तो पहले अब इसको, इस मसले को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर कोई प्रोग्राम बनाते हैं कहीं जाने का। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि मैंने इसके साथ अब क्या सलूक किया है। तो मामला तो बहुत ख़राब हो गए, हफ्स का महीना है और इसको अभी लेके जाना है, ऐसे ठीक कराना, पंचर बनवाना बड़ा मुश्किल काम है। तो मेरे पास इसका एक सलूशन निकल आया था, तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ वो सलूशन क्या है। लीजिए व्यूवर्स, वो सलूशन ये है, हैंडपम्प। ये आप लोगों को याद होगा, जो लोग साइकिल रखते थे किसी ज़माने में, तो वो साइकिल में हवा भरते थे। तो अब वही दौर वापस आ गया ऐसा सा। तो एक मेरे दोस्त के पास ये हैंडपम्प रखा था जिससे हम हवा भर सकते हैं, तो फौरी तौर पर मैं इससे हवा भर लूँगा और फिर उसके बाद जाके पंचर शॉप पर जाके पंचर बनवा लूँगा। तो ये काफ़ी हद तक मेरा मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह, टाइम भी बच जाएगा मेरा। तो आपको मैं अभी इसको बताता हूँ इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो बल्कि मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप लोग के पास गाड़ियाँ हैं तो अपनी गाड़ी में कम से कम ये हैंडपम्प ज़रूर रखें। ये मुख्तलिफ साइज़ में होते हैं, छोटा भी होता है बड़ा भी होता है, तो जो आपको आसानी लगे वो अपने पास रखें ताकि कहीं रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको फौरी तौर पर हल कर सकें। लीजिए व्यूवर्स, मैं अब इसको लगा रहा हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि किस तरह से इसको लगाना है। कोई ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आपने लगाकर और इसको यहाँ पे लॉक कर देना है। अब ये निकलेगा नहीं, ये हमने लगा दिया है और ये हमारा हैंडपम्प है। अब इसको चलाते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से होता है ये। व्यूवर्स, मैंने पंप उसके साथ अटैच कर दिया है टायर के साथ, और पुराना स्टाइल जो हम साइकिलों में पहले हवा भरते थे वही और दोबारा आ गया। तो आइए देखें, अब हम कार के साइकिल के मतलब कार में हवा भर रहे हैं, आइए देखें किस तरह होता है। दो से तीन मिनट लगते हैं, बल्कि मुश्किल से दो मिनट और टायर में हवा भर जाती है। इजी वे है, कहीं आप रास्ते में फंस जाएं तो आराम से आप अपना काम निकाल सकते हैं, फिर आप किसी पंप पे जाके पंचर बनवा लें जो भी है। ठीक है, लीजिए व्यूवर्स, हवा भर गई है, मुश्किल से दो मिनट लगे। अब इसको हमने यहाँ से ये हमने निकाल लिया इसको, ठीक है। अब देखें टायर भर गया हमारा, मेरा तो सांस भी फूल गया आदत नहीं इन सब कामों की, बचपन में साइकिल चलाते थे तो हवा वगैरह भरते रहते थे, तो अब आदत नहीं रही। फिर दोस्तों, आपने देखा किस तरह से हमने थोड़े से वक्त में इस मसले को हल कर लिया। और मैं अपने दोस्तों को ये मशवरा दूंगा जिनके पास गाड़ी है, जो लोग गाड़ी रखते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती हैं, तो परेशान नहीं होना चाहिए, प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना चाहिए और उसका हल ढूंढना चाहिए। तो इस तरह से मेरा ये मसला हल हो गया, हम अपनी गाड़ी को लेके जाऊंगा, इसका पंचर वगैरह बनवा लूंगा और जहाँ घूमना फिरना इंशाल्लाह घूमे फिरेंगे। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह किसी रोज़ किसी नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात करूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।